नहीं सरकार, नहीं ऐसी बात नहीं, बस मुझे ज्यादा बोलने सुनने की आदत नहीं। मैं पॉइंट पाता हूँ कि हमारा इलाका है, हमारा तो हमारी चलती है। तुमने पहली बार ये गलती करी इसलिए तुम आपको छोड़ रहे, और अगली बार से गलती हुई तो काट के रखेंगे। याद रखना, एक फल लाऊंगा पीछे 100 लोग हथियार लेके खड़े हो जाएंगे। लगाओ नहीं सरकार, लगाओ नहीं सरकार, लगाओ। इन छोटी मोटी चीजों में डर लगता है, पर इन जैसे निकम्मों को सेटल करना कट्टू नाम है मेरा, इन लोगों को सेटल करना काम है मेरा। थैंक यू। क्रिएशन प्रेजेंट्स इन एसोसिएशन विद सैफ्रन क्राफ्ट और मेटा एफेक्ट्स इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमारे प्रोड्यूसर श्री अजीत नाहर जी हैं और हमारी फिल्म को प्रोड्यूसर फिल्म की हैं राशिका जिंदल जी, और हमारी फिल्म का नाम है साथ साथ हैं। फिल्म के सब्जेक्ट पर रोशनी डालिए कि क्या साथ साथ है क्या? साथ साथ है, 7 बच्चों की कहानी है और 7 बच्चे गुम हो जाते हैं और उनके साथ एक पैथन दोस्त बनता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग स्वच्छ भारत का अभियान भी इसमें लेके चले हैं और बहुत सारी चीज़ लेके चले हैं, और इसमें हमारे शक्तिमान जो सुपर हीरो हैं
मुकेश खन्ना जी वो एक अहम किरदार में हैं, बाकी अवतार गिल जी हैं, गोविंद खत्री जी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग इस फिल्म को लेके पूरे भारत में हम लोगों ने ऑडिशंस लिए और बच्चों को अच्छे अच्छे बच्चे की प्रतिभा जो छुपी हुई है उनको हम लोगों ने निकाल के बाहर लाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि घर में बैठे हुए हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन अजीत नाहर जी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एक मुहिम निकाला और अच्छे अच्छे घर से बच्चे को निकाला जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, जो आज हम लोग मुंबई में फाइनल कर रहे हैं ऑडिशन। हम लोगों ने लगातार 8 तारीख से ऑडिशन चालू किया और आज 19 तारीख को हम लोग फाइनल कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर पूरा विजुअल इफेक्ट्स ही है या कुछ ग्राफिक और कार्टून टाइप भी कुछ इसमें एनिमेशन भी यूज़ कर रहे हैं? एनिमेशन यूज कर रहे हैं और पूरा विजुअल इफेक्ट्स है और ग्राफिक्स है, सीजी है और पूरी अलग फिल्म है। जिस तरह आप लोग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक फिल्म ऐसी दे हम लोग बच्चों को लेके जो अभी आई नहीं है, और बाहुबली को लेके लोग आजकल जैसा जैसा देख रहे हैं, विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, वैसा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने फिल्म में दें। और हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है और हम लोग इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं और बहुत ऊँची फिल्म बन रही है। इस फिल्म का बेस आइडिया किसका था, आपका या आपके निर्माता का? हमारे निर्माता का आइडिया था, उन्होंने बोला कि हमको बच्चे की फिल्म बनानी है और स्टोरी इन्होंने हमको नरेट किया था और जिस पे हम लोगों ने डेवलप किया और बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए हम नाहर जी से ही पूछे, नाहर जी ये आइडिया कैसे आया आपको कि एक बच्चे पर ऐसी फिल्म, वो भी एनिमेशन मिलाकर मिक्स करके? बहुत समय से बच्चों पर कोई फिल्म अच्छी नहीं आई और बहुत समय से दिमाग में था कि कोई ऐसा क्रिएटिव काम के देश भर में छुपे हुए टैलेंट को उभार करके लाया जाए, तो ये सारे काम एक साथ किए गए इस मूवी के माध्यम से। तो इसके लिए फिर आपने ऑडिशन कहाँ कहाँ किया? ऑडिशन, पहला ऑडिशन हमारा वाराणसी से स्टार्ट हुआ, दूसरा ऑडिशन लखनऊ में हुआ, तीसरा ऑडिशन झांसी छोटे टाउन में हुआ, फिर भोपाल, फिर उदयपुर और अब हम मुंबई आए हैं फाइनल ऑडिशन के लिए। चलिए अब आप फिल्म की शूटिंग भी शुरू करें तो कब तक, कितने दिन में आपको फिल्म खत्म करना है? जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल है हमारा 10 सितंबर से स्टार्ट होकर 30 अक्टूबर तक हम लोग शेड्यूल प्लान कर रहे हैं मूवी की शूटिंग का। अगर टाइमली हुआ तो 26 जनवरी को मूवी आप पर्दों पर देखेंगे। अब स्टार कास्ट के बारे में बताइए, बच्चों के अलावा, नवनीत बच्चों के अलावा? बच्चे 7 तो मेन लीड बच्चे हैं और 17 टोटल बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे इस ऑडिशन के द्वारा। इसके अलावा मुकेश खन्ना जी शक्तिमान मुख्य रोल में है, अवतार गिल साहब हैं, गोविंद खत्री जी हैं, इसके अलावा और भी कई कलाकार हैं जो अभी 2-4 दिन फाइनल हो जाएंगे। शायद मैं सुनने में गलत नहीं महसूस कर रहा हूँ कि शक्तिमान के रोल में ही शक्तिमान जी, शक्तिमान हिंदुस्तान के एकमात्र सुपर हीरो शक्तिमान, बच्चों के सुपर हीरो शक्तिमान है और वही इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। मैडम आप इस फिल्म से क्या क्या, आप इसके लिए आपका सहयोग क्या कह रहा है, आप वो बताइए। ऐसे को प्रोड्यूसर तो आप आएंगे, इसके अलावा? इसके अलावा बहुत सारा मैनेजमेंट है, टैलेंट को निकालना, हम लोग अलग अलग शहरों में जाके सारा टैलेंट देख रहे हैं और आज फाइनली मुंबई में है। आज हिंदी फिल्मों में एक संगीत भी बहुत बड़ा पक्ष होता है, संगीत के बारे में आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? संगीत मतलब गाने का, म्यूजिक डायरेक्टर कितने गाने रहेंगे? नितेश जी आप बताइए। संगीत इसमें हमारे टोटल 5 गाने रहेंगे और हम लोग देश को लेके देश संदेश भी दे रहे हैं और बच्चों को लेके बच्चों का पिकनिक पॉइंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे संगीत हैं जो कि अच्छे अच्छे गीत हैं जो हम लोग लेके आ रहे हैं इसमें। और एक टाइटल सॉन्ग है जो हमारे टाइटल सॉन्ग अजीत नाहर जी ने दिया है, वो ज़बरदस्त सॉन्ग है, वो कंपोज हो रहा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। संगीत के बारे में आप कुछ और, कुछ ऐसा बाहर से सुनने में आया था कि आपको कुछ संगीत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे आप? जानकारी हो क्या गया ना कि मैं संगीत का कोई भी गाना अगर मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ तो फिर ऑडियो वीडियो सैटेलाइट कंपनी बोलती है आपने क्यों इस चीज़ को प्रकाशित कर दिया। तो मैं संगीत पे यह है कि मेरी संगीत क्या ना, भोजपुरी में भी मैं करता हूँ तो सारा संगीत मेरा हिट रहता है और संगीत पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देता हूँ, रुचि है। तो इस फिल्म का संगीत बहुत अच्छा बन रहा है और संगीत से ज़्यादा प्रेम इनको है हमसे ज़्यादा, और इनकी गाइडेंस ना मेरे को बहुत सीखने को मिलता है। ना जी आपने इस फिल्म के गीत लिखे हैं तो कुछ एकाध जो आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन गीत कौन सा, उसका एकाध दो लाइन सुना देंगे तो अच्छा? लाइन इस वक्त मैं माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त एक लाइन भी उसके लिए हमारे लिए ठीक नहीं है हमारे क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल इसको बनाया गया है, इसमें बच्चे तक अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं कि बच्चे कौन होंगे, तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, मुहूर्त के पहले काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। म्यूजिक कंपोज होने दीजिए, ये इंडस्ट्री ऐसी बहुत जल्दी कॉपी होता है, थोड़ा सा इंतजार करें आपको उसका मजा भी आएगा। थोड़ा सा एक राजनीतिक पहलू भी लेता हूँ, आप स्वच्छ अभियान को आप बता रहे हैं कि इसके अंदर है, तो क्या मोदी सरकार से आप काफ़ी कुछ? नहीं, हमारा ऐसा कोई मतलब इसमें राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए, देश हित में स्वच्छता तो होनी चाहिए, ये तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा।
तो इसमें मोदी जी और उसका तो है अपना रोल रहा, वो तो है निश्चित रूप से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वाकई में देश स्वच्छ रहे और बच्चों के माध्यम से अगर संदेश गया देश में तो निश्चित रूप से लोग अमल करेंगे। थैंक यू जी। बच्चों को कुछ जो बुलाना है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, चलो यार रेडी रेडी रोल एक्शन। Once again, साथ साथ है। Thank you. Okay. Visual, एक मिनट, फोटो निकालो, फोटो फोटो निकालो. Visual लेकर. ओ हाथ, सबके हाथ ऐसे रहे. ऐसे करो. शेजी के पास कोई पालवाल का नहीं. हाहाहा. ये से छोटा चेतन है. WhatsApp नंबर मिले तो जो प्रेस लिस्ट बनी है उनको फॉरवर्ड करते हैं. ये और नाम लेने में क्या जाता है?